वेलकम टू माइंड बॉडी एसिड। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए वार्म अप सीरीज लेके आने वाला हूँ, तो आज हम सीखेंगे वार्म अप के बारे में। वार्म अप क्या है, वार्म अप क्यों करना चाहिए, वार्म अप के मिस्टेक हम क्या करते हैं, वार्म अप के बेनिफिट्स क्या हैं और वार्म अप के कुछ नियम है उसे आपको फॉलो करना है, और ये वार्म अप कौन से योगा स्टाइल में यूज होगा, और लास्ट में मैं आप लोगों को एक सरप्राइजिंग बोनस पॉइंट देने वाला हूँ, उसे मत मिस कीजिएगा। वार्म अप वो है जो हम एक्सरसाइज से पहले करते हैं, जिससे हम प्रॉपर बॉडी को वार्म करते हैं। जैसे कि रिस्ट मूवमेंट किया हमने, शोल्डर मूवमेंट किया हमने, ट्विस्टिंग किया हमने, जंपिंग जैक्स किया, वो हम एक्सरसाइज से पहले करते हैं जिससे हम इंजरी से बचा जा सके। अब हमें क्यों करना चाहिए, सबसे पहले हमें इंजरी से बचने के लिए वार्म अप करना पड़ेगा, हमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए वार्म अप करना होगा, मसल और जॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए वार्म अप करना पड़ेगा, और अपने ब्रेन को कमांड देने के लिए कि आप एक्सरसाइज करें उसके लिए हमें वार्म अप करना ज़रूरी है। लोग जानने के बाद भी वार्म अप नहीं करते हैं और अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग हैंड स्टैंड प्रैक्टिस करते हैं, सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करते हैं, प्लैंक प्रैक्टिस करते हो, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे फील करते हैं कि उनका रिस्ट पेन होता है, नेक पेन होता है, बैक पेन होता है। वो इस वजह से कि आप वार्म अप नहीं करते हो, निग्लिजन करते हो वार्म अप को। अभी हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। इसमें बेनिफिट आपको, आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस होगी आपकी, आप इसमें अपना फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी इम्प्रूव करोगे, आपकी स्टेबिलिटी इसमें इम्प्रूव होगी, और ये एक्सरसाइज करके आप, ये वार्म अप करके आप लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट कोई इंजरी के एक्सरसाइज कर पाओगे। और स्पेशली वो लोग कर सकते हैं जो हठ योगा प्रैक्टिस करते हैं, अष्टांग योग प्रैक्टिस करते हैं, जो पावर योग प्रैक्टिस करते हैं, जो रिस्टोरेशन योगा प्रैक्टिस करते हैं। ये वार्म अप के कुछ नियम हैं, जैसे कि आपको इसे प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ करना है, 10 टू 15 काउंट्स करना है, आपको इसे स्लो और कंट्रोल मूवमेंट में करना होगा, और आप हो सके तो इसे सिक्वेंस वाइज फॉलो करोगे तो आपको याद भी रहेगा ये चीज़। एक फिट का डिस्टेंस रखिए हाथों को कमर पे, कमर सीधी, सांसें भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए, सांसें छोड़ते अपने चिन को चेस्ट पे टच कीजिए, सांसें भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए, सांसें छोड़ते हुए चिन को चेस्ट पे टच कीजिए, बॉडी नहीं हिलाना है, सिर्फ गर्दन हिलेगी। रिलैक्स, सेम पोजीशन में रहेंगे, सेंटर में सांस लीजिए, सांस छोड़ना है राइट साइड पर, सेंटर में सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड पर, सेंटर में सांस लीजिए, सांस छोड़ेंगे राइट साइड पर, सेंटर में सांस लीजिए, सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड पर। ध्यान दीजिएगा कि आपके कंधे ना घूमें। रिलैक्स, सेम पोजीशन में रहिए, सेंटर में सांस लीजिए, बैंड कीजिए अपने गर्दन को राइट साइड पर, सेंटर में सांस लीजिए, बैंड कीजिए अपने गर्दन को लेफ्ट साइड पर, सेंटर में सांस लीजिए, सांस छोड़िए राइट साइड पर, सेंटर में सांस लीजिए, सांस छोड़िए लेफ्ट साइड पर। ध्यान दीजिएगा कि आपकी गर्दन ना ऊपर उठे। रिलैक्स, एक फिट का डिस्टेंस रखिए, हाथों को कंधों के ऊपर रखिए, सांसें भरते अपने हाथों को आगे घुमाएं और सांसें छोड़ते अपने हाथों को पीछे लेके जाएं, सांसें भरते हाथों को आगे लाएं, सांसें छोड़ते अपने हाथों को पीछे लेके जाएं। ध्यान दीजिएगा कि आपके गर्दन आगे पीछे ना हिले। सेम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इस बार आपको सांसें पीछे लेनी है और आगे छोड़नी है, सांसें पीछे लीजिए और आगे छोड़िए। ध्यान देना है कि आपके गर्दन आगे पीछे ना हिले। हाथों को सामने लीजिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते कंधों को टच कीजिए, सांस भरना आगे, सांस छोड़ना है पीछे, धीरे से सांस लीजिए, सांस छोड़ना है पीछे। रिलैक्स, हाथों को उठाइए, मुट्ठियों को बंद कीजिए और अपने कलाइयों को घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपने ब्रेथ को नॉर्मल रखिएगा, गर्दन का मूवमेंट नहीं होगा। रिलैक्स, हाथों को ऊपर उठाइए, मुट्ठियों को खोलना है और बंद कर देना है, सांस लेना है, मुट्ठियों को खोलना है और बंद करना है, स्ट्रेच कीजिए, बंद कीजिए। रिलैक्स,
दो से ढाई फीट का डिस्टेंस होगा, टो सामने की तरफ, हाथ चेस्ट के सामने, सेंटर में सांस लीजिए, राइट साइड में सांस छोड़ना है, सेंटर में सांस लीजिए, लेफ्ट साइड में सांस छोड़ना है, सांस लीजिए राइट साइड एक्सहेल, सांस लीजिए लेफ्ट साइड एक्सहेल, धीरे से कीजिएगा, रिलैक्स, सेम डिस्टेंस रखिएगा, राइट हाथों को राइट कमर पे, लेफ्ट हाथों को ऊपर उठाइए, सांस भरे, सांस छोड़ना है, राइट साइड में बैंड होना है, लेफ्ट हाथों को लेफ्ट कमर पे, राइट हाथों को ऊपर उठाइए, सांस भरिए, बैंड हो जाना है लेफ्ट साइड और सांस छोड़ना है, हाथ को ऊपर उठाइए, सांस भरे, बैंड हो जाइए राइट साइड पर, हाथों को ऊपर उठाइए, सांस भरिए, बैंड हो जाइए लेफ्ट साइड पर, धीरे से कीजिएगा, इक्वली वेट रहेगा दोनों पैरों पे, रिलैक्स, एक फीट का डिस्टेंस रखिए, हाथों को कमर पे रखिए, अपने कमर को पूरी तरह से सर्कुलर घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा कि आपके गर्दन ना हिले, सिर्फ और सिर्फ आपके कमर हिलनी चाहिए, सांसों को नॉर्मल रखिएगा और अपने कमर को घुमाइएगा, रिलैक्स, तीन फीट का डिस्टेंस लेना है, टो सामने की तरफ, हाथों को कमर पर रखिए, बॉडी को आगे झुकाइए, हाथों को खोलना है, राइट हाथों को लेफ्ट टो पे टच कीजिए, लेफ्ट हाथों को राइट टो पे, टो को टच करना है और अपने बॉडी को ट्विस्ट करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड, चेस्ट को लेफ्ट साइड में लीजिए, चेस्ट को राइट साइड में लीजिए, धीरे से रिटर्न आइएगा और रिलैक्स, पैरों को जोड़ दीजिए, हाथों को घुटने पर रखिए, कमर सीधी, अपने घुटने को आगे बेंड करना है और सीधे करने हैं, बेंड करना है और सीधी करनी है, सांस छोड़िए आगे, सांस लीजिए पीछे, सांस लीजिए आगे, सांस छोड़िए पीछे, रिलैक्स, हाथों को कमर पे रखिए, राइट पैरों को ऊपर उठाना है और अपने एंकल को सर्कुलर घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ब्रेथ को आप नॉर्मल रखिएगा, अगर आपको लगे आप बैलेंस लूज कर रहे हो तो आप बॉल का सपोर्ट लीजिएगा और कीजिएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ब्रेथ नॉर्मल, रिलैक्स। ये वार्म अप प्रैक्टिस करके आप मेरे पिछले जो वीडियो मैंने बनाए थे बिगिनर्स योगा चेयर सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। अब बोनस टिप की बात, अगर आप प्राणायाम करते समय अगर आपके बैक पे पेन होता है, अगर आपका लेग्स नम होता है, तो आप वार्म अप करके आप प्राणायाम और मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पैरों में और आपके बैक में नमनेस नहीं होगा, तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं इसी तरह से हर वीक आप लोगों के लिए वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।